This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद के लाल दरवाज़ा इलाके में वाक़ मशहूर सिम्हा राहिनी महनकली मंदिर के अहम पुजारी 80 साल नरसिम्हा हाउ गारू गुज़िश्ता हफ्ते कोविड टेस्ट में मुस्बत पाए गए। कोविड-19 के मुस्बत जांच के बाद जुमेरात को पुजारी की हालत बिगड़ने लगी और ऑक्सीजन की सतह गिर गई। ताहम कई हॉस्पिटल में बिस्तरों की अदम फरहमी की वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल ना हो सके। पुजारी के अहले खाना ने हैदराबाद MP और AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मदद मांगी। असदुद्दीन अवैसी ने फौरी कदम उठाते हुए पुजारी की मदद की और उन्हें प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में दाखिल कराया। असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक पुजारी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और उनकी हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टर उनके सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के वर्किंग सदर और वजीर KT रामाराव कोविड इन्फेक्शन की हल्की अलामतों के साथ वो कोविड से मुतासिर हो गए। इस वक्त वो अपने घर में आइसोलेशन में हैं। कुछ दिन पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हो गए थे और उन्हें हैदराबाद से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ज़िला सिद्दीपेट में अपने फार्म हाउस में आइसोलेशन में थे। कहा जा रहा है कि KTR की बहन MLC और कविता ने अपने वाली से आइसोलेशन में जाने के बाद हाल ही में मुलाकात की थी। वजीर KTR ने हाल ही में कुछ तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए अपने हल्के सिलसिला का दौरा किया था। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से यकुम से 17 अप्रैल के दरमियान तेलंगाना से कुंभ मेला 2021 में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद के लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहने और घर में भी मास्क पहने रहने का ऐलान कर दिया गया और कहा कोविड-19 इन्फेक्शन की अलामतें जाहिर होने की सूरत में कोविड-19 टेस्ट करवाना लाजमी है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6,206 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज होने और 29 मुतासरी की कोविड से मौत होने की इत्तला मिली। GHMC के इलाके में अंदरून 24 घंटों में 1,005 कोविड के नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। हैदराबाद के एक और पुलिस ऑफिसर की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो गई। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल विजय कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हो गए थे और आज उनकी मौत हो गई। BJP MLA राजा सिंह ने उनकी मौत पर गम का इजहार किया और आवाम से अपील की कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे। अस्सलाम नाजरीन, A18 तेलंगाना न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, अभी इस वक्त हम मौजूद है शनातगंज PS लिमिट में, वहाँ पे पुलिस की भारी तादाद मौजूद है, वहाँ के व्हीकल्स को रोक रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो बिना वजूहत के जो लोग घर से आ रहे हैं, पुलिस उन पर एक्शन कर रही है। जो अननेसेसरी लोग जो रोड पे निकल रहे हैं कर्फ्यू के दौरान, उन के ख़िलाफ़ पुलिस यहाँ पे सख्ती से लिपट रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं रिपोर्टर इमरान खान, कैमरामैन शौकत के साथ।